वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सहारा इंडिया से जो रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी उसके बारे में ही बताऊंगा। आपके कमेंट्स और आपके मेल जो मेरे पास आई हैं उसमें जो सवाल थे आपके, उसी के ऊपर मैं आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आपके सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन ये था कि सहारा हमें, जब हम सहारा पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे पोर्टल पे जाके, सहारा के पोर्टल पे, सहारा रिफंड पोर्टल जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उस पे जाके अगर हम रजिस्टर करते हैं तो हमारे कितने पैसे वापस आने वाले हैं, मतलब वहाँ से हमको गवर्नमेंट हमें कितने रुपए हमें वापस करेगी, ठीक है। तो उसके कुछ सवाल हैं, उस सवाल के आंसर से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में और बता देता हूँ जिससे कि आप उस सवाल के करीब पहुँच जाएंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला ये था कि जो सहारा इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये लॉन्च किया गया था, तो उसके पीछे चार सहकारी समितियां थी जिसके अंतर्गत आपने अपने पैसे, मतलब हमारे देश के सभी भारतीयों ने, 10 करोड़ लोगों ने इन चार समितियों के अंतर्गत अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था सहारा इंडिया के अंदर, ठीक है, सहारा परिवार के अंदर। तो अब ये तो होगी चार समितियाँ, उसी के बिहाफ पर आपको जो अपने पेमेंट इन्वेस्टमेंट की थी उसके अंदर अपनी फ़ंड को, वो फ़ंड आपको उसी के बिहाफ पे आपको रिटर्न मिलना है। अब रिटर्न मिलने से पहले कुछ सवाल आते हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि आप जब पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या होता था कि आपका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। हम जो ये सहारा इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है, यहाँ पर 1,70,00,000 रजिस्ट्रेशन की कैपेसिटी इसकी दी गई थी, फर्स्ट फेज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें 1,70,00,000 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए हैं और जो इसकी लिमिटेशंस बनाई गई थी, लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो भी यूजर्स जब भी रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करता था उसके पास OTP नहीं आती थी, ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। 3-3, 4-4 घंटे तक OTP नहीं आती थी। रीज़न है कि अचानक से जब ये न्यूज़ आई सभी के सामने तो सब ने अचानक से रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया। अब उसके वजह से क्या हुआ, सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड प्रेशर पड़ा जिसके वजह से सर्वर डाउन हो गया, ऑलमोस्ट ये डाउन तो नहीं कहूँगा मैं, सर्वर स्लो हो गया क्योंकि रजिस्ट्रेशन सबको करना है, पैसे सबको चाहिए थे, ठीक है, इसीलिए सब ने एक साथ रजिस्ट्रेशन जब करना स्टार्ट किया तो सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउड एकदम से आया, तो इस वजह से सर्वर डाउन हुआ और इसी वजह से आपके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था कई बार कम्प्लीट नहीं होता था, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके 1,70,00,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन उस पर कंप्लीट हो चुके हैं। ये उस पोर्टल का, सहारा इंडिया पोर्टल का फर्स्ट फेज़ है जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगला सवाल क्या है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था, इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, सारे वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद क्या होगा कि आपको 45 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आपको मिलेंगे सहारा इंडिया पोर्टल की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 45 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें क्या था कि जो इसके स्टेक होल्डर थे, अमित शाह जी तो देशवासियों की तरफ से खड़े थे, ठीक है, देशवासियों की आवाज़ बन के खड़े थे, साथ में इसमें कुछ और भी स्टेक होल्डर्स थे। स्टेक होल्डर का मतलब होता है जिन्होंने, जो इस समिति के अंतर्गत काम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि आपने जब ये फ्रॉड सामने आया था, स्कैम सामने आया था, उसके बाद क्या था, आपने बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे देशवासियों ने केस किया, ठीक है, केस फाइल किया, उसमें कोर्ट के चक्कर भी काटे आपने, बट हुआ कुछ नहीं, थक हार के आप लोग सब कुछ छोड़ के भूल चुके थे उस चीज़ को। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मौका दिया, इस फैसले के ऊपर, इसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की। कार्रवाई करने के बाद इसमें जो इसमें स्टेक होल्डर थे, स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर होता है जैसे कि आपका SEBI है, ED है, ठीक है, CBI है, क्राइम ब्रांच है, मतलब कि CBI क्राइम ब्रांच, उसके बाद आपका इनकम टैक्स, ये सारे स्टेक होल्डर थे और अमित शाह हमारे देशवासियों के तरफ से खड़े थे। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष को रखा। उसके बाद फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सभी देशवासियों को पैसे वापस किए जाएंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट को फर्स्ट फेज़ में कितने लोगों को कितने पैसे मिलेंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सहारा इंडिया पोर्टल के अंदर, रिफंड पोर्टल के अंदर, मतलब उसका जो अकाउंट है उसमें कितने पैसे, कितना फंड डाला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट रेज करेगी जिससे कि देशवासियों के अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाए, ठीक है। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट फेज में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि 5,000 करोड़ रुपये का फ़ंड रिलीज़ किया था, इंडियन गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी थी कि 5,000 करोड़ आप सहारा इंडिया
फंड पोर्टल के अंदर आप ऐड कर सकते हैं और आप देशवासियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं, मेन सवाल जो आपका था उस सवाल पे आते हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना आप इस सवाल के आंसर को प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो क्या था ये, फर्स्ट फेज में इंडियन गवर्नमेंट ने यानी कि सहारा इंडिया पोर्टल की तरफ से यानी अमित शाह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फर्स्ट फेज में 10,000 मिनिमम 10,000 रुपये हर एक जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया है, 10,000 की मिनिमम जिसने इन्वेस्टमेंट की है, किसी ने 25,000 का किया होगा, किसी ने 50,000 का किया होगा, किसी ने 1,00,000 का किया होगा, किसी ने 5,000 का किया होगा, किसी ने 10,000 का किया होगा, किसी ने 15,000 का किया होगा, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पेमेंट इन्वेस्टमेंट की थी, फंड इन्वेस्ट किया था सहारा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उनसे उसके अंतर्गत क्या है कि अब फर्स्ट फेज में जो पेमेंट रिलीज होगी, जो आपके अकाउंट में 45 दिन के अंदर जो क्रेडिट होगा वो होगा आपका 10,000 रुपये का अमाउंट जो आपके अकाउंट में आने वाला है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो 45 दिन के अंदर आपके पास आपके अकाउंट में 10,000 रुपये का क्रेडिट का मैसेज आपको मिल जाएगा सहारा इंडिया पोर्टल की तरफ से, ठीक है। अब ये 10,000 रुपये देखिए, जिसने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी 10,000 मिलेगा, जिसने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको तो लगभग लगभग उसका पूरा जो फंड जो उसने इन्वेस्ट किया था सारा ही फंड उसको मिल जाएगा वापस। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10,000 ही देके गवर्नमेंट बंद कर देगी इस पोर्टल को, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ स्टार्टअप है, जब ये 5,000 करोड़ जो है आपका जो फंड है जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी और उनसे आगे के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए और ज़्यादा फंड जो है देशवासी को जो बाकी बचे हुए फंड्स हैं याचिका दायर करेगी और सुप्रीम कोर्ट से ऑथेंटिकेशन लेने के बाद बाकी के जो के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उन सभी के पैसे को फिर से भेजा जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर यही था। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन आपके माइंड में यह ज़रूर आया होगा और मुझे मेल पर और मुझे कमेंट्स में भी आए थे, इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ कि क्वेश्चन था कि क्या जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि इंटरेस्ट भी आपको दिया जाएगा, इंटरेस्ट 100% आपको जो इंटरेस्ट है 100% गवर्नमेंट देगी, ठीक है। सहारा इंडिया फंड पोर्टल की तरफ से आपको इंटरेस्ट और आपका इन्वेस्टमेंट जो फंड था वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ, ये है कि फर्स्ट फेज में 10,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, सेकंड फेज में बाकी की जो रकम बाकी बची होगी आपकी जिन्होंने 10,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको नेक्स्ट फेज़ में वो पेमेंट उन आपके अकाउंट में आने वाली है, ठीक है। तो और इंडियन गवर्नमेंट ने और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अथॉरिटी दी है कि जो बचे हुए पैसे हैं, बचे हुए पेंडिंग्स खाता धारकों के और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे पेंडिंग में हैं उसको भी वो जल्द से जल्द आपके अकाउंट में पहुंचाएंगे, ठीक है। हर एक देशवासी को जिन्होंने सहारा में इन्वेस्टमेंट की थी सबको उनके टोटल पैसे वापस मिलेंगे, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और अमित शाह जी की तरफ से आपको आश्वासन मिला है कि आपके पैसे 100% वापस आएंगे। तो आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत सारे लोगों के बीच में मन में क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा। देखिए, हमारे पैसे डूब गए थे लेकिन डूबे हुए पैसे अब हमें इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है, ठीक है। तो जो मिल रहा है हम उसको ले रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने जब इतना किया है तो बाकी की भी चीज़ों जो फंड हमारे पेंडिंग होंगे उसको भी इंडियन गवर्नमेंट देगी, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ये शुरुआत की है तो इसको कंप्लीट करके ही छोड़ेगी। आप जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जो फंड है जो कई, ठीक है, 2009 की बात है आई थिंक, ठीक है। तो तब से लेके आज तक पेमेंट हमारी डूबी हुई थी ना, हम तो भूल ही चुके थे। तो अब जब ये स्टार्ट हुआ है तो हमारे पैसे धीरे धीरे करके हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। आने वाली न्यू अपडेट के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपको नहीं आता रजिस्ट्रेशन करना, तो मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में रखी हुई है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है किसी कारण से तो उसके लिए घबराइए मत, सर्वर जैसे ही सर्वर के ऊपर से जैसे ही क्राउड ख़त्म होगा ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरी चीज़, अभी तो सिर्फ 1,70,00,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं कि कैपेसिटी जो सर्वर की थी इतनी ही थी एक रजिस्ट्रेशन की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको भी इंक्रीज कर रही है जिससे कि और भी ज़्यादा लोग अपने आप को रजिस्टर कर पाएँ और अपने पैसे सहारा में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी वो चीज़ें वापस ले पाएँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।